अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बी टी इन्फॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद करता हूँ। तो आज का हम इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं आपके लिए, ये जो है बाकेट होता है लोडर बाकेट, इसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो इनके भी मार्कर जो हैं उनसे भी बात करेंगे, तो इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो इसमें क्या क्या सबसे पहले तो होगा कि बाकेट जो है ये कितने का लगता है, इसके लिए कौन सा ट्रैक्टर जो है वो होना चाहिए, कौन लाजमी है, कौन सा होना चाहिए दिक्कत। तो उसके बाद टोटल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि बाकेट कितने का लगता है और ट्रैक्टर जो है तकरीबन कितने पैसों वाला होना चाहिए। तो उसके बाद जो जो इसके अखराजात हैं कि एक ट्राली की कितनी भराई है या फिर एक दिन में कितनी ट्रालियाँ जो है भरती है, और टोटल जो खर्चा है फी ट्राली का कितना खर्चा है, और एक दिन का जो मतलब क्या आमदनी है उसमें से खर्चा निकाल के कितनी जो प्रॉफिट है, तो और क्या ड्राइवर का खर्चा वगैरह वो निकाल के टोटल महीने की एवरेज क्या बनती है, क्या बचत है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाड़ी की जो है कंडीशन दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी जो इसके लिए मौजूद है। तो इसके बाद इसके क्या हालात वगैरह हैं, काम कैसा है, काम शाम मिलता रहता है या कितना मिलता है, महीने में कितने दिन मिल जाता है, तो टोटल जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे आपको। तो सबसे पहले इसकी जो है कंडीशन दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये बकेट है, तो ये ऊपर इसके जो है पावर शॉक जो जिसको कहते हैं पावर के लिए लगे हुए हैं, तो जो अपने हाइड्रोलिक के लिए, तो अपने प्रेशर उसके साथ ही ये इसको ऊपर उठाते हैं। तो उसके बाद ये कंडीशन ट्रैक्टर की 1988 मॉडल है, 375 है, 75 हॉर्स पावर में है। तो इसकी कंडीशन जो है ठीक है, मॉडल के हिसाब से बिल्कुल अच्छा है। तो उनसे हम ये भी बात करेंगे कि कैसा ट्रैक्टर जो है या मतलब डाइट वगैरह इसके लिए कैसे चल सकते हैं, इसके लिए लोडर के लिए ये पीछे लगा हुआ है ताकि लोडर का जो वज़न है वो लेवल रहे, ताकि ट्रैक्टर को जो है कोई भी मसला ना हो। तो इसलिए ये पीछे इसके वज़न काफ़ी ज़्यादा वज़न है ये भी, कि इसमें बजरी भरी होती है, तो ये इसके लिए लगाया गया है। तो दोस्तों इसके लिए बाद ये ट्रैक्टर के जो है ना उसके लिए बाकेट के लिए जो लीवर वगैरह लगाए गए हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये है गियर है इसका, तो उसके बाद ब्रेकें वगैरह प्रेशर की हुई हैं इसकी, स्टीयरिंग भी बिल्कुल प्रेशर है, और उसके बाद फिर ये लीवर लगे हुए हैं ये वाले, ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए, और इसको जब ऊपर उठाते हैं तो फिर खाली करना। ये पाइप है इसके हाइड्रोलिक पाइप, ये उसके लिए जो के लगे हुए हैं इसको बाकेट को उठाने के लिए, ये इसके ये बत्ती वगैरह लगाई हुई है अगर जो रात को इस्तेमाल अगर चलाना हो तो उसके लिए। तो बाकी इसकी तो इनके ओनर जो हैं वो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, तो आइए उनसे बाकी जो है तफसीलात उनसे लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो होगी इन्फॉर्मेशन की वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो वीडियो के में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो बाकी इनके जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों हम आ गए हैं, ये जो लोडर बाकेट है ना इनके ओनर हैं इनके पास आ गए हैं, तो इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नदीम भाई क्या हाल चाल हैं? ठीक सर, शुक्रिया। तो नदीम भाई से पूछते हैं कि नदीम भाई ये ट्रैक्टर जो है कौन सा, 375 है? 375 कौन सा मॉडल है? 88 मॉडल है। तो ये जो ऊपर लोडर बाकड़ लगा हुआ है इसकी क्या प्राइस है? 150 नहीं, मतलब इसकी कीमत कितने कीमत मुकम्मल इसकी कले बाकड़ की? जी जी, बाकड़ की कीमत 4.5 लाख रुपया। तो ये आपने कितनी देर हो गई आपको लगवाए हुए? 3 साल। 3 साल हो गए, उस टाइम 4.5 लाख रुपये थी या अब 4.5? अब 4.5 है। उस टाइम कितनी थी? 4.25 लाख। उस टाइम 4.25, तो तकरीबन 75,000 रुपया जो कीमत उस टाइम से ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो इसमें जो इसकी जो ट्राली की भराई है ये किस हिसाब से चल रही है? 150 रुपये ट्राली की भराई फी ट्राली 150 रुपये। तो एक दिन में तकरीबन कितनी ट्रालियाँ जो है भरी जाती हैं? 50-60 ट्राली भरी जाती है। तो दोस्तों एक दिन में तकरीबन 50-60 ट्राली जो है ना ये कह रहे हैं कि भरी जा सकती हैं इससे। तो अगर मतलब थोड़ी नज़दीक ट्राली जो जानी हो तो फिर कितनी भरी जाती है? नज़दीक तकरीबन 100 के करीब पहुँच जाती है। 100 के करीब पहुँच जाती है।
तो इसके लिए ये ट्रैक्टर 375 है, इससे छोटा भी सही रहेगा या ये होना मैंने चाहिए? छोटा नहीं कामयाब इसे। ये बड़ी होना हाँ चाहिए, बड़ा तीन सौ ट्रैक्टर पचहत्तर काम। या 385, हाँ और जी 640 जो उसका क्या ख्याल है? नहीं वो नहीं कामयाब इसे। वो भी नहीं हाँ कामयाब? जी सही है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो ट्रैक्टर है ये 375 या 385 या रूसी वगैरह जो है वो भी चल जाएगा, हाँ रूसी भी रूसी चल चलता जाएगा, लेकिन जो फीएट 640 या 480 है ना वो बिल्कुल कामयाब नहीं है इनके लिए। और जो छोटे मैसी हैं 260 या 240 वगैरह वो भी इनके लिए कामयाब नहीं है। तो ये इसके अलावा तो ड्राइवर की इसमें क्या कितनी तनख्वाह है? ड्राइवर का 20 रुपये कमीशन है। 20 रुपये फी ट्राली में? हाँ जी फी ट्राली का कमीशन। तो दोस्तों फी ट्राली में 20 रुपये जो है ना वो ड्राइवर की कमीशन होती है। तो ये काम जो है इसका महीने में तकरीबन कितने दिन मिल जाता है? काम तकरीबन महीने में 15 से 20 दिन। तो दोस्तों महीने में तकरीबन 15 से 20 दिन तक जो है ना इसका काम मिलता रहता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभार अगर हालात मंदे हों तो इससे कम भी हो सकता है। तो इसके साथ आपने अपनी भी कोई ट्राली ट्रैक्टर लगाया हुआ है? हाँ जी एक गाड़ी है अपनी ये कौन सी है? 240 में से। दोस्तों इन्होंने अपनी भी एक गाड़ी लगाई है। तो ट्राली ट्रैक्टर जो है उसकी क्या बचत होती है मुझे इसके अलावा, उसका बन ही जाता है इतना तकरीबन 1500 रुपया एक दिन का खर्चा। मतलब खर्चे वगैरह निकाल के उसकी भी तकरीबन 1500 रुपया जो है वो बन जाता है। तो ये तकरीबन एक दिन में अगर 50 ट्राली का हिसाब हो तो तकरीबन 7500 रुपया बनता है हाँ ऐसे ही। जी तो साढ़े खर्चा सात हज़ार में से तकरीबन कितना खर्चा हो जाता है? बचत तकरीबन ये यही होंगी 3000 रुपया बचत। तो 7500 में से तकरीबन दोस्तों 4 साढ़े 4 हज़ार रुपया जो टोटल खर्चा इनका हो जाता है। तो खर्चा वगैरह निकाल के ये तकरीबन एक दिन का 3000 रुपया हाँ जो है बचत तीन हो जाती है अगर काम अच्छा हो तो। अगर काम थोड़ा हो तो फिर वही तकरीबन 1500 से 2000 रुपये तक बन जाता है। तो इसको एक दिन में तकरीबन कितने घंटे तक आप चलाते हैं ट्रैक्टर को? दिन में 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे? तो वैसे इसको इससे ज़्यादा चलाने से कोई मसला नहीं है, नहीं चलाना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा घंटे? नहीं चलाना चाहिए आर्टिशन है। क्योंकि एक दिन में कह रहे हैं कि दो तो 8 से 10 घंटे जो है इसकी मतलब सही एवरेज है वो रखनी चाहिए ऐसे। तो इसमें मज़ीद जो है वो वर्कशॉप का खर्चा वगैरह भी पेमेंट करता है। ट्रैक्टर जो है तो कितने का आप कितने का प्राइस होगी ट्रैक्टर? 7 लाख रुपये ट्रैक्टर की कीमत और 4.5 लाख जो है वो बाकेट है, 7 और 4 11। तो दोस्तों अगर ये सेटअप को बनाना चाहे तो तकरीबन 11.5 लाख से 12 लाख रुपये तक, वो भी अगर सेकंड हैंड ट्रैक्टर में नया बाकेट लगेगा। और अगर नया ट्रैक्टर लेंगे वो तकरीबन 85 जो है वो 13.5 लाख का है, और जो 375 है वो भी तकरीबन 12 लाख का होगा, 12.5 लाख। तो अगर कोई नए में करना चाहे तो तकरीबन कम से कम 16 से 17 लाख रुपये में ये पूरा सेटअप बनेगा। तो ये अगर अच्छी हालत में बंदा सेकंड हैंड भी ले ले तो तकरीबन फिर ये 11-12 लाख में बन जाता है। तो इसके साथ जो क्या मशवरा देंगे कि अगर बंदा इसको रखे तो ट्राली ट्रैक्टर साथ में होने चाहिए या अकेला लेना भी ठीक है? ट्रैक्टर ट्राली साथ होने चाहिए, कितने तकरीबन जो है होने चाहिए इसके साथ ट्राली ट्रैक्टर? गुंजाइश हो तो दो तो आपने जरूर है। दो ट्राली ट्रैक्टर और दो फिर ब्लेड वाला भी होना चाहिए या यही वो काम कर देता है? नहीं यही काम कर देता है, आगे जाके लेवल भी ये कर आगे देता है। जाके सही है। तो उसके ये तो पैसे अलग होंगे ना जो लेवल आगे करीदा जाके। हाँ हाँ अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो लेवलिंग वाला जो आगे जाके सिस्टम होता है वो भी हम खुद ही करते हैं, उसका फिर अलग हिसाब होता है, वो भी ट्राली का हिसाब होता है। तो ये साल पूरा साल यही काम करते हैं या कोई और काम भी फिर करते हैं? यही काम करते हैं पूरा साल यही काम। तो दोस्तों ये पूरा साल फिर ये 12 महीने यही काम करते हैं, उसमें तकरीबन समझो महीने के एवरेज जो है तकरीबन 80-90 हज़ार या लाख रुपए तक ये बाकड़ वाले ट्रैक्टर से हो जाती है। और जो दूसरा ट्रैक्टर वो भी तकरीबन 50-1 हज़ार, जो ट्राली ट्रैक्टर वाला है वो भी तकरीबन 50 हज़ार तक जो है ना बचत कर देता है। अगर आप अकेला यही रखते हैं बाकेट वाला रखते हैं तो इसका फिर ज़्यादा बात है कि काम भी कम मिलेगा और फिर आप तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये तक जो है या 50 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आप ट्राली और ट्रैक्टर भी आप अपने साथ में रखते हैं तो उनके आप अलहदा करके तकरीबन अगर दो भी रखते हैं तो तकरीबन आप पूरे दो ट्राली ट्रैक्टर और एक बाकेट वाला ट्रैक्टर जो है इसका दोनों का मिला के आप तकरीबन 2 लाख रुपये तक, 2.25 लाख जो है ना महीना बचा सकते हैं।
और उसमें इसके सारे खर्चे वगैरह होते हैं। मोबलाइल का, मोबलाइल कितना इसमें इस्तेमाल होता है? 8 लीटर। तो कितने का बनता है वो? बनता है तकरीबन 3200। 3200 का। तो तकरीबन दोस्तों वो भी ऑयल वगैरह निकाल के इसका आप तकरीबन 2 लाख रुपए तक बचा दें। तो इसके लिए क्या आप मशवरा देंगे दोस्तों को कि ये काम कैसा करना चाहिए या ठीक है काम? रोजी तो ठीक बनती है, मतलब रोजी बनती है अगर ना तो ये है कि भाई बहुत ज़्यादा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि सही जो है। हाँ जी हाँ जी ठीक, रोजी बनती है, सही है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। तो कोशिश की है कि पूरी इन्फॉर्मेशन दे, तो उन्होंने बताया कि काम तो माशाल्लाह ठीक है, अच्छा है कि अगर आप बंदा इसको लगातार करता है तो तकरीबन महीने की जो एवरेज है वो तकरीबन 80,000 से लेकर 90,000 या 1,00,000 रुपये तक जो है बचत हो सकती है खर्चे निकाल के। तो उसके अलावा अगर बंदा अपना ट्राली ट्रैक्टर भी साथ में रख ले तो उसके फिर अलग तकरीबन 50,000 से 60,000 रुपये तक उसके भी बन जाते हैं। बेशक उसके लिए छोटा ट्रैक्टर भी हो वो भी चल जाएगा, लेकिन इसके लिए जो है बड़ा ट्रैक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली जो भी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन में वाली होगी। तो उसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुँचे। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट कर दें, ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।